आज आप लोगों को भाषा का सिद्धांत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आप इसका जो भाषा का सिद्धांत है किसने दिया था, नोम चोमस्की ने दिया था, इनबॉर्न थ्योरी के नाम से जानते हैं हम लोग। इनबॉर्न थ्योरी, इनबॉर्न थ्योरी क्या होता है, देखिए नोम चोमस्की अमेरिका का रहने वाला था। वह कहाँ का रहने वाला था? वह अमेरिका का रहने वाला था। इसका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात गुण होता है, उसमें क्षमता होता है, वह जन्मजात से उसका बच्चों का भाषा सीखने का जन्मजात गुण होता है। चोमस्की कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक प्रकार का डिवाइस होता है, भाषा सीखने का उसका दिमाग में एक डिवाइस होता है जिसमें बच्चा भाषा सीखता है। बच्चा पहले जो जन्म लेता है तो हम उसको छोटे छोटे शब्दों को सिखाते हैं और धीरे धीरे वह शब्दों को अर्थ को ज्ञान का ज्ञान में ला ले आता है, और वह धीरे धीरे प्रयोग करके वह क्या करता है, सब कुछ सीखने के बाद वह अपना जो है पूरा सेंटेंस को बनाने के लिए सीखता है। तो उसमें से चोमस्की का जो कहना है कि इनबॉर्न थ्योरी के अंदर में कि डिवाइस जो होता है उसका दिमाग में एक माइंड में जो है डिवाइस होता है, वह डिवाइस किस नाम से जाना जाता है, तो उस डिवाइस को जो है LAD लैड के नाम से जाना जाता है। डिवाइस का जो नाम है वह डिवाइस का क्या नाम है, लैड, LAD लैड। तो L से होता है L फॉर लैंग्वेज, A फॉर एक्वेशन एक्विशिशन, और D फॉर होता है डिवाइस, लैंग्वेज एक्विशिशन डिवाइस। ठीक है, यह डिवाइस का नाम है जिसमें जो है बच्चे जन्मजात सीखने का क्षमता रखता है। उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण, जो सार्वभौमिक व्याकरण क्या है, यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया है। तो आप एग्जाम में पूछा जाता है यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत किसने दिया है, तो यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत नोम चोमस्की ने दिया है। बच्चे में ग्रामर जन्मजात होता है, बच्चे में जो ग्रामर का सीखने का जो एबिलिटी होता है उसमें वह जन्मजात होता है, और वह भाषा को धीरे धीरे करके वह सीखने लगता है। चोमस्की ने भाषा को दो स्तर में बांटा है, चोमस्की ने भाषा को कितने स्तर में बांटा है, दो स्तरों में वह भाषा को बांटा है। तो कौन सा स्तर है, स्टेज है, दो स्टेज है। ठीक है, कितना स्टेज है, दो स्टेज, दो स्टेज में बांटा है। पहला स्टेज है सतही संरचना, दूसरा है गहरी संरचना। तो सतही संरचना सरफेस लेवल और दूसरा है डीप लेवल। सरफेस लेवल और डीप लेवल क्या होता है, सरफेस लेवल में होता है इसमें ऊपरी ऊपरी भाग को, यानी इसमें बच्चा साउंड वर्ड को जानता है लेकिन उसका अर्थ नहीं बता सकता है। छोटे छोटे जब बच्चा जो बहुत छोटे जो बालक होता है वह वर्ड को तो जानता है लेकिन उसका अगर अर्थ पूछिएगा तो वह अर्थ नहीं बता पाता। इस किस लेवल में वह बच्चा आता है, तो वह आता है सरफेस लेवल में आता है। अब जो है डीप लेवल में, डीप लेवल में क्या होता है, इसमें बच्चे जो है शब्दों को, शब्दों के अर्थ का ज्ञान हो जाता है और वह शब्दों का डिफाइन भी कर सकता है, शब्दों का बनावट किस प्रकार का है, कैसे इसका उपयोग करें, ये सब सारी बातों को बच्चे जो है वह बच्चे सीख जाता है। तो आपने जो सीखे कि नोम चोमस्की जो है वह कहाँ का रहने वाला था, तो नोम चोमस्की है जो है वह अमेरिका का रहने वाला है। वह कहाँ का रहने वाला है, वह अमेरिका का रहने वाला है, एक हो गया। दूसरा इसमें पॉइंट है कि वह जो है दो सिद्धांत दिया था उन्होंने, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर और इनबॉर्न थ्योरी का है। इसमें डिवाइस का पूछा जाता है, सर डिवाइस कौन सा है, और डिवाइस का जो नाम है वह नाम क्या है, डिवाइस का आप नाम रखेंगे लैड। डिवाइस का नाम क्या है, डिवाइस का नाम, यह डिवाइस का नाम है लैड। लैड क्या होता है, लैड होता है लैंग्वेज एक्विजिशन और डिवाइस, इसको हम लोग लैड के नाम से जानते हैं। नोम चोमस्की ने इस सिद्धांत को दिया था जिसे हम लोग लैड के नाम से जाने जाते हैं। इसमें भाषा सीखने का, उसमें बच्चों का जो पहले से ही जन्मजात एक डिवाइस अंदर में फिट रहता है, उसके कारण से वह बच्चा भाषा सीखने में उसको मदद मिलता है और वह भाषा को सीख पाता है।